नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल वेब पर। साथियों, इस समय मैं जैनपुर जो कानपुर देहात जनपद पड़ता है उस मेले के बीचों बीच इस समय मैं खड़ा हुआ हूं और एक पार्ट में डाल चुका हूं मेले का और ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको पूरे मेले का प्रांगण और मीना बाजार दिखाऊंगा। तो निरंतर चैनल पर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें कि जिससे इसी प्रकार से आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, आगे आपको मंदिर का प्रांगण दिखाते हैं और मीना बाजार दिखाते हैं, देख सकते हैं। और इस तरीके का यहाँ पर व्यू है। यहाँ पर आपको जो घर के लिए जो आपको पर्दे वगैरह चाहिए हों वो सारे आपको मिल जाएंगे, पैरदान वगैरह है, घर के लिए चद्दर वगैरह है, बेडशीट वगैरह है और भी बहुत सारे आपको आइटम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिर। मोहम्मद जाहिर, ये कहाँ से आए आप? ये राजपुर से। राजपुर से प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष 40 वर्ष से आ रहे हैं। 40 वर्ष से आ रहे हैं और मेले को लगते हुए समथिंग कितना वर्ष हो गया? सवा डेढ़ सौ वर्ष हो चुके हैं। और कैसा अनुभव रहता है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके का यहाँ पर माहौल है, आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर चूड़ी वगैरह की भी आपको दुकानें हैं। अभी जो दर्शक हैं, जो कस्टमर बंधु हैं, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो उस वजह से जो दुकानदार बंधु हैं काफ़ी आराम फरमा रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। आगे हम आपको लेकर चलेंगे मेले के अंदर में। और मेले के अंदर में कई तरह की जो मेन गलियां हैं, एक वो सामने वाली गली है जो सीधा मंदिर प्रांगण में जाती है, तो ये दूसरी वाली गली है जो मंदिर जो मेला मीना बाजार है उसके अंदर में आपको ये सीधे सीधे खुलती है। और काफ़ी बड़ा मेला है, काफ़ी बड़ा व्यू हो जाएगा, तो हम संक्षिप्त में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। और सामने वो वाली जो सड़क है वो सीधा सीधा उसी मंदिर प्रांगण वाली रास्ते से सीधा लिंक है, तो आपको हम देखिए और भी अंदर गलियां हैं उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इस तरीके काफ़ी कुछ दुकानें यहां पर काफ़ी बंद हैं, काफ़ी खुली हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम कुंवर सिंह है, सिंघानिया कहते हैं मुझे। कुंवर सिंह सिंघानिया जी, कहाँ से आए हैं आप? हम अपने घर से आए हैं। घर से? घर कहाँ पर है आप? घर हमारे गांव में है। गांव कौन सा है? गोपलापुर। गोपलापुर है जी। चलिए, कैसा अनुभव रहता है यहाँ? अनुभव तो काफी एक्सपीरियंस। 30 साल को? 30 साल से आ रहे हैं लगातार? नहीं, उम्र 30 साल की है। 30 साल की उम्र तो है। यहाँ कितने वर्ष से आ रहे हैं? बस ऐसे ही 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। कैसा रिस्पॉन्स रहता है? अच्छा खासा पानी बरस रहा है। अच्छा, इस वर्ष का अनुभव कैसा है? ये भी कल पानी बंद हुआ है। कल पानी बंद हुआ है। दुकानदारी वगैरह कैसी है? दुकानदारी पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही मजाकिया किस्म के दुकानदार हैं और आप देख सकते हैं एक सामने दुकान है और काफी। तो और इस वर्ष के बाद अब यहाँ से इस मेले के बाद में कहाँ जाएंगे आप? हैं, अपने गौड़े जाएंगे? गौड़े का मतलब होता है एकदम अपने करीब, यानी कि घर के आसपास। चलो अंदर आपको मेला दिखाते हैं। और अंदर देखिए बहुत सारी बहुत ही सकरी सकरी रास्ताएं हैं यहाँ पर और काफी प्रॉपरी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आप इस तरीके की आपको दुकानें देखने को मिलेंगी और एक क्रॉकरी की दुकान है और एक क्रॉकरी की दुकान है। काफ़ी चक्कर की यहाँ पर दुकानें हैं और आप देख सकते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? वकील खान। कहाँ से आए हैं आप? कालपी। कालपी से? प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? प्रतिवर्ष आते हैं। समथिंग कितना वर्ष हो गया आते? कम से कम 30 साल। 30 साल से। कैसा रिस्पॉन्स रहता है यहाँ? ठीक है बस। इस वर्ष का अनुभव कैसा है? अरे इस साल तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, डाउन है। इस वर्ष डाउन है ज्यादा? हाँ, बारिश में जो है हालत खराब है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वर्ष क्या है कि बारिश ज्यादा हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं दुकानदार बंधु ने काफी नाली भी खोदी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कीचड़ है और कीचड़ के चलते लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर जो दुकानदार बंधु हैं सन्नाटे में बैठे हुए हैं, जो कस्टमर हैं, दर्शक हैं, वो नहीं आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, आपको मार्केट में भी इतना सारा आइटम एक साथ खुला हुआ आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी वैरायटी है। लगता है कि इतनी सारी वैरायटी कैसे दुकानदार बंधु मैनेज करते होंगे, और आप देख सकते हैं। और साथ ही आप इस तरफ देखेंगे एक पर्दा वगैरह की दुकान है और सामने
फिर हम इस वाली गली से लिंक होते हुए और काफ़ी लेडीज का काफ़ी वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मात्र 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, काफ़ी जो लेडीजों की जो मैक्सी वगैरह हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। हाफ पैंट है, शर्ट है, क्या बोलूँ, इतनी सारी वैरायटी लगा रखी है कि पूरे विजुअल मैन को समेटना मुश्किल हो रहा है। चलिए दुकानदार बंधु से हम आपको परिचित कराने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन जी कहाँ से आए हैं? इटावा से। इटावा से प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए हैं? नहीं, हर साल आते हैं। कैसा अनुभव रहता है यहाँ पर? इस बार मेला हल्का है, पिछले बार सही था। अच्छा, इस बार हल्का है वो बारिश की वजह से? पिछली बार बारिश था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास समथिंग कितने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या रेंज के आपके पास यहाँ पर मैक्सी वगैरह? मैक्सी हमारे पास 80 रुपये तक की मिलेगी आपको। अच्छा, 350 हाई रेट में 350-400 तक। अच्छा अच्छा, चलिए। तो जो दर्शक बंधु देख रहे हैं, अगर उनको मैक्सी वगैरह लेनी है तो आप कम से कम 80 रुपये से स्टार्ट होती है। और काफ़ी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, काफ़ी ये सारा आपको सामान मिल जाएगा। जैसे स्टूल है, पीतल है, तरह तरह के आपको सामान आपको मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। और हम देखते हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राम सिंह। राम सिंह जी कहाँ से आए? राजपुर से। तो प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? प्रतिवर्ष आते हैं। कैसा अनुभव रहता है? ठीक है, बारिश में डाउन रहा। इस वर्ष डाउन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वर्ष सभी दुकानदारों का कहना है कि बारिश के चलते इस वर्ष थोड़ा सा डाउन है। और काफ़ी उनके जस्ट सामने भी दुकानें लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको अंदर ले चलूँगा, काफ़ी बड़ा है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नाम? पप्पू। पप्पू कहाँ से आए हैं? ये जैनपुर से। जैनपुर से ही आए? प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? इसी आप 20 साल से आ रहे हैं? 20 साल से। कैसा अनुभव रहता है? हाँ, होना देखा रहे। देखेंगे कि तरह तरह की यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। और अंदर ये मंदिर प्रांगण है। मंदिर प्रांगण में काफी दर्शकों का आना जाना शुरू हो गया है। मंदिर के जस्ट बाहर आपको इस तरीके की दुकानें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, घर गृहस्थी का जो सामान है, इस टाइप की आपको यहाँ पर दुकानें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर है सामने, और जस्ट सामने दूसरा ये मंदिर है, मेन मंदिर। और एक यहाँ पर भी दुकान है, और सामने आप देख सकते हैं। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सोनी है। मनोज कुमार सोनी जी कहाँ से आए हैं? कुराला जिला हमीरपुर। हमीरपुर से आए हैं? प्रतिवर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? हर साल ही आते हैं। हर साल आते हैं। कैसा अनुभव रहता है यहाँ पर? यहाँ मेला बहुत बढ़िया लगता है, जनता भी आती है। अच्छा अच्छा, अच्छा काम होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके का यहाँ पर कुछ माहौल है, काफी दर्शक हैं मंदिर के। तो आगे अंदर के मेला है। कुछ बोलेंगे गुरु जी? हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? हमारा शिवपाल दास नाम है। शिवपाल दास जी से 1008 महान शिवपाल दास जी। चलिए, आप इसी मंदिर के पुजारी है ना? तो समथिंग महंत महान जी, समथिंग कितने वर्ष हो गए हैं इसमें? करीब करीब हमारे अंदाज में तो 500 साल पुराना मंदिर का इतिहास है। अच्छा। और करीब 4-5 समाधियाँ संतों की बनी है। अच्छा। बाग है, बाग में हर संत बाग में, और एक संत की कम से कम उम्र 100 वर्ष से कम नहीं होती। और लगभग 500 साल पुराना ये स्थान है। सदियों से, कई वर्षों से ये कुंभ मेला का आयोजन भादों के लास्ट मंगल से होता है, जिसे पड़वा मंगल बोलते हैं। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ भी आते हैं, और हर इंसान की मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं हनुमान जी महाराज जी। राम दरबार में लोग की अर्थी लगाता है तो परमात्मा पूरा फल देते हैं। यहाँ पे कई मंत्री विधायक आके माता देखते हैं, उनका काम सफलि माननीय महेश त्रिवेदी विधायक है, उनने निर्दलीय यहाँ पे मंदिर को रोक के यहीं से उनका जो है पहला चुनाव।
समथिंग ये जो मंदिर 500 वर्ष पहले बना है तो किसने बनवाया? ये क्षेत्र के सभी लोग भक्तों ने, बुजुर्गों का कहना है कि क्षेत्र की जनता के सभी सहयोग से बना था ये मंदिर। और संत मंगलदास जी महाराज थे पहले, बहुत पहले 400 साल पहले जो है मंगलदास जी नाम से मंदिर थे। उसके बाद रामचरण दास जी थे, रामचरण दास जी के बाद महंत देवादास जी महाराज हुए। देवादास महंत के बाद जो है फिर से 1008 महंत श्री कुशाम दास जी हुए, जिनका 2017 में निधन शरीर पूरा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्राय। तो अभी जो सबसे पहले जो मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय जो मूर्तियाँ स्थापित की गई थी वही है कि मूर्तियाँ वही है? मंदिर में परिवर्तन होता रहता है जी। और कभी पहले कुछ छोटा सा था, बड़ा विशाल मतलब परिवर्तन हो रहा है। इसे अभी 10-15 दिन पहले हनुमान जी के आसपास का पूरा निर्माण नया हुआ है जी। और या इस मंदिर का भी कुछ निर्माण धीरे धीरे टूट के बनता जा रहा है, तोड़ते जा रहे हैं, इससे बदलाव होता रहता है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंदिर के महंत जी थे, तो उन्होंने मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी कराई जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी और दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा अनुभव। तो चलिए अब चलते हैं दर्शकों को मंदिर प्रांगण के हम दर्शन कराते हैं। सारी मूर्तियाँ असदात हुई हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, चलिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर। अच्छा पूरा दरबार है। अच्छा ये है अभी ना, अच्छा इनका 2017 में हुआ है। महंत जी हैं, 2017 में इन्होंने अपने शरीर को छोड़ा है और इनकी ये समाधि बनी हुई है। और ये महंत जी का कब हुआ था अंतकाल, कब हुआ था इसका? 1990 में। अच्छा ये इनसे पहले जो महाराज जी थे, हाँ ये था। और तो ये सभी लोग जो मंदिर प्रांगण है उसके सेवक हैं, चरण सेवक हैं राम दरबार जी के। और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर दर्शक बंधु भी आ रहे हैं। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? यही कहना है सब लोग आए मेला देखें, अच्छा लगेगा, यहाँ पर एंजॉय करें, झूला की व्यवस्था की व्यवस्था है, चलिए दर्शन करें भगवान के जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए किस तरह, चलिए काफी अच्छे एकदम प्रिय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश है। अंश बाबू कहाँ से आए हैं? पोखराया से। देसी वर्ष आए हैं या पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। कैसा लगता है यहाँ करके? अभी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। झूला वगैरह झूले हैं? अभी नहीं, अभी पहले पहले मंदिर की पूजा कर रहे हैं। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने मंदिर के अंदर आपका अंदर का दृश्य दिखाया और अब मैं आपको लेकर के चलूंगा अंदर, मेला जो बचा हुआ है मीना बाजार वो आपको लेकर के चलूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आप? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? हम देहरादून से। देहरादून से जी। कैसा अनुभव रहता है, कितना वर्ष हो गया आते हो? मुझे 20 साल हो गया। 20 साल हो गए जी। अनुभव कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, ठकुरासी मेला है, अच्छा मेला है और क्षेत्र का माना हुआ मेला है। और इस वर्ष का अनुभव कैसा है? अनुभव अच्छा, व्यापार से है लेकिन कुछ बारिश में कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गया है बारिश की वजह से। और लोगों ने बताया है कि आपकी ही मेले की जिम्मेदारी है, पूरा मेला प्रांगण आप ही चलाते हैं। ये तो सच्ची बात है। तो यदि यदि कोई दुकानदार बंधु है जो दर्शक है और यदि आप मेले में दुकान लगाना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? संपर्क हो जाता है, 1-2 कॉन्टेक्ट हो जाता है सभी हाथ आते हैं। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जिससे लोग आपसे संपर्क करें। 9670-61-2243। एक बार और आप दो। 9670-61-2243।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गुरु जी हैं, गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं, और पूरे मेले में जो दुकानदार हैं, दुकानें लगाने का जो काम है वो उन्हीं की जिम्मेदारी रहता है। और चलिए हम आपको मेले के अंदर लेकर के चलते हैं और मेले में दिखाते हैं। तो मेले में जब आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे तो कई सारी दुकानें उसी तरीके की आपको मिलेंगी, इस तरफ भी बढ़ेंगे तो आपको कई सारी उसी तरीके की दुकानें मिलेंगी। तो मैं केवल आपको एक राउंड लगा के दिखाऊंगा क्योंकि काफ़ी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो उस वजह से पार्ट टू में भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम आपको इसी तरीके से थोड़ा संक्षिप्त में मेला दिखाने का प्रयास करूँगा। बहुत विशाल मेला है ये, और आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पर दुकानें, इस तरीके के यहाँ पर दर्शक हैं। तो आप देख सकते हैं काफी विशाल मेला है, इसको अपने कैमरे में कैद करना नामुमकिन है, फिर भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके की यहाँ पर दुकानें हैं, आप जो लेडीज महिलाएं हैं और वो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? नवीन भारती। नवीन भारती जी कहाँ से आए हैं? बाबलापुर से। प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए। इसी वर्ष आए हैं। कैसा अनुभव रहा है? दुकानदारी वगैरह हो रही नहीं हो रही है? पता नहीं, मैं नया आया हूँ भैया, अभी आ रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी आए हैं आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके का माहौल है अभी, जो दुकानदार बंधु जो हैं, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी लेडीजों के आइटम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो हर माल 5 रुपये की दुकान है, हर माल 10 रुपये की दुकान है, और ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर लाट के माध्यम से ही लगाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मेले का व्यू इसी तरीके का है। मैं प्रत्येक गली को आपको नहीं दिखा सकता, तो मेरा प्रयास है कि आपको संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से पूरा मेले का व्यू दिखाने का प्रयास करूं। अब मैं मेले में आपको दिखाऊंगा लोहा मंडी और आपको झूले वगैरह जो यहां पर आपको, चलिए इस तरीके की यहाँ पर दुकानें हैं और आप देख सकते हैं। अभी आ रहे, रिटर्न आ रहे। तो इस तरीके की आप देख सकते हैं दुकानें हैं, और आपको और ये आप बीच मेले में पहुंच जाएंगे। इतनी सारी यहाँ पर गली, इतना विशाल मेला है कि कैमरे में कैद करना मुश्किल है, फिर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ लोहा मंडी शुरू होती है, और इस तरीके के यहाँ पर लोहे का सामान आपको मिलेगा, जो कढ़ाई वगैरह है, और आपको ये सारे का सारे आइटम मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश सिंह जी कहाँ से आए हैं? राजपुर से। प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए। हर वर्ष आए। कितना साल हो गया आते हुए? 25 साल से। कैसा अनुभव रहता है? इस वर्ष कैसा है अनुभव? इंसान कमजोर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके का अनुभव है लोगों का, और बता रहे हैं कि इस वर्ष थोड़ा मेला डाउन है, और इस तरीके की यहाँ पर दुकानें हैं। तो मैं टोटल आपको ये लोहा मंडी आपको दिखा रहा हूँ, और इस तरीके की आपको देखते हैं मूसा नगर की मशहूर दुकान जयमा संतोषी आयरन स्टोर, और इस तरीके की आपको ये मिल जाएंगी दुकानें, और ये भी देखिए विश्वकर्मा आयरन स्टोर के नाम से यहाँ पर एक और दुकान है, और आप देख सकते हैं, और ये बहुत सारी दुकानें यहाँ पर हैं। और ये टोटल आपको बड़ी बड़ी जो कढ़ाई है शादी विवाह में जो इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पीएसी की व्यवस्था की जाती है, ये रूम जो वगैरह हैं यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है यहाँ पर रहते हैं पीएसी। और आप देख सकते हैं इस तरीके का माहौल है, इस तरीके की यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। टोटल ये लोहा मंडी की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं शर्मा आयरन स्टोर मूसा नगर, और सारी के सारे आपको दुकानें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर होती है पत्थर मंडी स्टार्ट, यहाँ पर आपको पत्थर के सामान मिलेंगे। किसी की दुकान है यहाँ लोगों की? वीडियो से क्या हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए? शिवानी कुमारी वायरल हो गई, 10 लाख महीना कमा रही है, यही पत्थर तोड़ते रहना तो तोड़ते रहो। अब ये देखिए इस तरीके की दुकानें हैं यहाँ पर,
और हाँ न्यूज में डाल रहे हैं, न्यूज में हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर आ जाते हैं खेल खिलौने के आइटम, और ये आप देख सकते हैं काफी सारे ढेर सारे यहाँ पर आइटम लगे हुए हैं, और ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं। और अभी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है समथिंग 11 से 12 बजा है, उसमें दर्शक बंधु उस समय कम मात्रा में आए हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रैगन है, और ये जॉइंट भी लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा झूला है, और साथ में ब्रेक डांस वगैरह है। और इसी तरीके का एक छोटा आइटम और लगा हुआ है यहाँ पर, एक निशानेबाजी के लिए, जो लोग निशानेबाजी के शौकीन हैं वो यहाँ पर आकर के निशानेबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर गन वगैरह रखी हुई है। चलिए हम दुकानदार बंधु से यहाँ पर आपको अवगत कराने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? जावे मुल्ला, अभी मुल्ला जी। कहाँ से आए? ये हमारे इटावा से। इटावा से आए हैं? प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? नहीं, पुरखा आते थे यहाँ पे, हम भी आ रहे हैं। अच्छा, समथिंग कितने वर्ष से हो गए? 25-30 वर्ष हो गए। 25-30 वर्ष हो गए आपको आते हुए? हाँ। कैसा अनुभव रहता है यहाँ? अरे बेकार है, नहीं चल रहा, पानी गिर गया है, घाटा हो गया। नहीं, प्रति वर्ष नहीं चलता था या इसी वर्ष नहीं चला? अब की बार नहीं चला, इस बार नहीं चला। इस बार मतलब इस बार जब पूरा मेला ही चला पानी गिरने के बाद। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वजह दुकानदार बंधुओं की एक जैसी प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस वर्ष मेला नहीं चल रहा है। अब जो भी कारण रहे हो, बारिश रही हो या और भी कई अन्य कारण रहे हो, लेकिन फिलहाल में मेला नहीं चल रहा है। तो अब ये लास्ट गली है, इसके बाद में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अब आप देख लीजिएगा इस तरीके की, और यहाँ पर दुकानें हैं काफ़ी ढेर सारे, जो मिठाई वगैरह हैं, अगर जो दर्शक बंधु हैं अगर वो चाहते हों यहाँ से, जो बेलन वगैरह है, छन्नी वगैरह है, या अपनी चारपाई के लिए मिचो वगैरह अगर आपको लेने हैं, चारपाया लेना है, तो वो सारे के सारे आप यहां से ले सकते हैं। और इस तरीके की यहां पर दुकानें लगी हुई हैं, और ये कि यहां पर टी स्टॉल भी लगाया गया है, और आप देख सकते हैं, और एक दो टी स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं, चलिए हम दुकानदार बंधु से बात कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश जी कहाँ से आए? पंचोसी से। पंचोसी से प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? हर साल आते हैं। कितना साल हो गया आते? हो गए कम से कम 10 साल। 10 साल हो गया। कैसा अनुभव रहता है आपको इस वर्ष का अनुभव कैसा है? बहुत ही बड़ा मेला डाउन। अच्छा, बारिश की वजह से मेला डाउन है। चलिए, जो भी कारण रहे हो, बारिश तो प्रति वर्ष होती है, लेकिन इस वर्ष मेला डाउन ही है, ऐसा दर्शकों का कहना है, यहाँ पर दुकानदार बंधुओं का भी यही बात कहनी है। तो चलिए, अब हम आपको लास्ट दुकान दिखाते हुए अब आपको ले चलते हैं, और शायद चलिए हम आपको ये दुकान और दिखाते हैं, काफी बड़ी और दुकान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, क्या नाम है आपका? सोनू मंसूरी। सोनू मंसूरी जी कहाँ से आए हैं? औरैया से। औरैया से प्रति वर्ष आते हैं? इसी वर्ष आए? नहीं, हर साल आते साहब, 13 साल हो गए। 13 साल हो गया आते हुए जी। कैसा अनुभव रहता है आपको यहाँ? बढ़िया, अच्छा मेला चलता है। इस वर्ष का अनुभव कैसा है? इस साल भी अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है जी सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंसूरी जी है, और तो साथियों, और अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो साथियों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा रहा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार से आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।